मरियम सेतु लड़ता है, ये डरपोक इमरान जिसका हंसी मजाक दुनिया भर में हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना गौरव, आपको पता है बेटा, आपने देखा होगा वो वीडियो जहां पे बोलते हैं मोदी से तू लड़ता तू डरता है, मरियम से तू लड़ता है, ये हालत है उनकी जी। अर्नब ये और आज कैसा लग रहा होगा उनको अपने इंडिपेंडेंस के सवाल अर्नब हाँ जी बोलिए 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 आपने तो ये इंतहा कर दी है डुप्लीसिटी की, ये तो बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है। आप मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप गौरव का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं गौरव नहीं हूँ, गौरव वहां पर बैठे हैं, आप इतना क्यों एक बौखलाहट का शिकार हो गए? बात सुने, मैं ये कह रही हूँ आप गौरव से डरते हैं, गौरव ने कुछ बोला ही नहीं अभी तक, मुंह नहीं खोला उन्होंने, गौरव का नाम सुनते ही आप घबरा जाती है। आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? आप इतना नर्वस हैं कि आप मुझे गौरव समझ रहे हैं और गौरव को मोना समझ रहे हैं, आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? फिर आप मेरा नाम लेना, देखिए मैं बताऊं आपको, आई होप के सवाल मेरे लिए था क्योंकि आपने मुझे खुद कहा कि मैं वेट करूं, मैंने याना जी के लिए वेट किया, अब मेरी बारी है जवाब देने की, मुझे जवाब देने दें। देखें ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है इस तरह से, तो ऑपोजिशन को आप खुद देख लें, राहुल गांधी जी ने किस तरह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, अनडेमोक्रेटिक कहा है। आप ये मरियम की बातें जिनके अपने केसेस चल रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी कोर्ट्स में, हमारी कोर्ट्स जस्टिस की बिना पर फैसले करती हैं, आपकी कोर्ट्स की तरह नहीं कि वो जो गांव रक्षक हैं छह जिनको आज आपकी कोर्ट ने रिहा कर दिया और बाइज्जत बरी कर दिया, तो इस तरह की कोर्ट्स हमारी नहीं है, हमारी कोर्ट्स में जस्टिस प्रिवेल करता है। ये सारे वो लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, इनको चाहिए कि ये अपने केसेस का कोर्ट में सामना करें और दो चीजों को मिक्सअप ना करें। ये मरियम वाली बात पे मेरा जवाब है। दूसरी बात, याना जी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को तो कंट्रोवर्शियल बना दिया, मतलब उनकी नज़र में एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बैनल अक्वामी इदारा, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, वही उन्होंने उसको रबिश कर दिया, रिडिक्यूल कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी क्या फिर याना जी तो मानते नहीं, जिसके पास इंडिया खुद गया था मसला कश्मीर।